एक कपड़े का व्यापारी सोना बेचने निकले, कितना बेच लेगा? 10,000 करोड़ का। और यही नहीं, अभी और सुनिए, उस व्यक्ति की मार्केटिंग और कोई नहीं, अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, रश्मिका मंदाना जो कि नेशनल क्रश है, नागार्जुन और अलग अलग जाने कितने सेलिब्रिटी उनकी मार्केटिंग करते हैं। जब भी शोरूम खोलता है तो उद्घाटन करने फीता काटने जाते हैं। सोचा था दो बेटे हैं, दो शोरूम खोल लेते हैं, पर आज पूरे भारत में 154 शोरूम है। पहला शोरूम जो खोला वो था 4,000 स्क्वायर फुट का, लेकिन आज जितने भी शोरूम है टोटल उनकी रिटेल स्पेस है 5,40,000 स्क्वायर फुट। आखिर कैसे धोती और सैंडल पहनने वाला व्यक्ति व्यापारी से सीईओ बन गया? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या एक आम आदमी है समझना चाहते हैं बड़े बड़े बिजनेस चलते कैसे हैं, ये कंपनियां कैसे चालू होती है, कैसे बड़ी होती है, हजारों एम्प्लॉई कैसे संभाले जाते हैं, इतनी सेल कैसे की जाती है, तो आज का वीडियो आपके लिए गोल्डन जेम है, सेव करके रखना। तो आज की वीडियो में सीखेंगे सेल्स के, मार्केटिंग के, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बहुत सारे राज, और मेरा पर्सनल फेवरेट कि इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हुए लोग आखिर जिंदगी कैसे जीते हैं, इनका रूटीन लाइफ क्या है, सोचते क्या है, करते क्या है, ये सभी चीजें लास्ट में सीखेंगे और बहुत सारे लेसन आपके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सेव करना और अपने जिंदगी में हमेशा अप्लाई करना। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। कल्याण ज्वेलर की शुरुआत होती है 1993 में त्रिशूर केरला में, जो कि इंडिया की गोल्ड कैपिटल है। तो आखिर इनको ज्वेलरी बिजनेस खोलने का आइडिया कहां से आया? क्या पुश्तैनी व्यापार यही था? नहीं साहब, ये तो कपड़े के व्यापारी थे। इनके पिताजी का कपड़े का बहुत शानदार काम था, 5 दुकानें थी इनकी। इन्होंने कहा यार मेरे 5 बेटे हैं, 5 ही दुकान खोलेंगे, 5 ही बांट देंगे। और ऐसे करके टीएस कल्याण रमन के हिस्से में कपड़े की दुकान आई और मस्त दुकान चला रहे थे, खुश थे। इनकी दुकान पे ज्यादातर शॉपिंग करने जो कस्टमर आते थे वो शादी की शॉपिंग करने आते थे, और इनके व्यवहार से, इनके डिजाइन से, सब चीजों से प्रसन्न थे। तो बोले भाई साहब यार हम आते हैं ना तो हमको कपड़े की तो आप व्यवस्था कर देते हो, जल्दी के लिए हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुख है भाई साहब आप कुछ क्यों नहीं करते, अब भाई साहब ने कहा यार भाई साहब मेरी कपड़े की दुकान है, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँ, लेकिन त्रिशूर शहर में भी यह 4 दुकान कपड़े की और है और मेरे ही भाइयों की है, अगर इसी फील्ड में एक्सपेंड किया तो भाई लोग नाराज हो जाएंगे, तो एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो बोले क्या करें, कुछ और काम करते हैं। अब ग्राहक कह ही रहे हैं ज्वेलरी, चलो तो ज्वेलरी शोरूम खोल के देखते हैं। तो जब सोच ली भैया ज्वेलरी की दुकान खोलनी है तो रिसर्च करनी जरूरी थी, तो कोच्चि गए, कोट्टयम गए, तिरुवनंतपुरम गए, उसके बाद त्रिशूर मार्केट को तो जानते ही थे। तो उन्हें 2-4 चीज़ें नोटिस की कि एक तो यार ज्वेलरी के शोरूम बड़े छोटे छोटे हैं, 250 स्क्वायर फुट, 500, 600, इससे ज्यादा बड़ा कोई शोरूम ही नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने देखी कि यार वैरायटी नहीं रखते, जाके 4 डिजाइन पढ़ाए, 4 डिजाइन में से कोई सा भी डिजाइन पसंद कर लो, ऑर्डर लिखवा दो, फिर वो बना के 7 दिन बाद 10 दिन बाद पहुंचाएंगे, रेडीमेड नहीं मिलता माल। तीसरा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपको जो गोल्ड बोल दिया वो मिलावटी है, प्योर है, उसकी कोई गारंटी नहीं। चौथा उस पर कोई प्राइस लिखा हुआ नहीं है, एक ही सेट का एक ज्वेलर 10 लाख बोल सकता है, दूसरा 11 बोल सकता है, कोई 9 ही बोल सकता है, तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो अब इन्होंने कहा अगर मेरे को ज्वेलरी का शोरूम खोलना है और अगर उसमें सक्सेसफुल होना है, कुछ हटके और अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस समय 1993 में त्रिशूर शहर का सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम खोला, 4,000 स्क्वायर फुट का। अब इनकी मेंटेलिटी कपड़े वाली थी कि भी ग्राहक आता है, कपड़े देखता है 5 और कपड़ा वहीं लेके जाता है और पेमेंट करके जाता है। तो इन्होंने कहा अपन ज्वेलरी में भी मैं तो वही सिस्टम रखूंगा, तो मेरे ज्वेलरी का ऐसा नहीं कि 4 डिजाइन पड़ी है तुम देख जाओ और पसंद कर जाओ ऑर्डर लिखा जाओ, मैं तो बनी बनाई ज्वेलरी रखूंगा। तो ये करने वाले भी पहले ही हुए। फिर इसके बाद उन्होंने नई चीज की कि भैया जो भी ज्वेलरी थी उसके साथ उसका प्राइस टैग लगा दूंगा, ताकि बार्गेनिंग, भैया प्राइस टैग इस पे लगा हुआ है, ये 8 लाख का है तो 8 लाख का है, इसमें ऐसा नहीं कि शक्ल देख के तिलक लगा दिया। और शानदार शोरूम बनाया, बकायदा उसमें एसी लगाया, जो कि पहली बार में बड़ी बात थी एसी शोरूम में। उसके बाद पार्किंग की व्यवस्था, और जो ग्राहक अंदर घुसता एकदम आर्टिफिशियल फमारा निकल रहा है, तो भाई साहब एकदम जय जय हो गई कि यार ये क्या चीज बना दी। और एक इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज की जो इनके पिताजी के टाइम से चल रही है और ये आज भी अप्लाई करते हैं, वो क्या है, ये जब भी कोई शोरूम खोलते हैं किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। तो इन्होंने जब किया तो मुरली और गीता करके मलयालम सिने इंडस्ट्री के बढ़िया स्टार थे, उनको बुलाया, उनसे शोरूम का फीता कटवाया। तो जब वो इतने बड़े स्टार आए तो भैया और बाजार में माहौल बन गया। और इस चीज की शुरुआत इनके पिताजी ने की थी। इनके पिताजी ने 1972 में जब कपड़े की दुकान खोली थी तो एक येसुदास करके थे सिने इंडस्ट्री के, उनको बुला के लाए थे। तो पिताजी ने खोली, इन्होंने खोली, और वो ट्रेंड आज भी चल रहा है, कहीं भी कल्याण ज्वेलर्स का नया शोरूम खुलेगा तो कोई फिल्म स्टार ही फीता काटेगा। इस समय जब ये वीडियो बन रही है जयपुर में एक शोरूम खुल रहा है और रश्मिका मंदाना आई हुई है। 75 लाख रुपए 1993 में बहुत बड़ी बात थी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेकर के काम किया, उसने फल दिया और पहले साल कल्याण ज्वेलर की सेल थी 60 करोड़ रुपए।
ये तो थी उसके स्टार्टिंग की बात। अब मुझे चैट बॉक्स करके बताओ इस कहानी से अब तक क्या सीखा। जो मैं लर्निंग दिखाना चाहता हूँ, जब कुछ भी नया काम करूँ सबसे पहले रिसर्च करनी है। ऐसा ही नहीं मुंह उठा के जिया जी बोले, साडू जी बोले, पलाना बोले, ढीमका बोले, इसने कहा उसने कहा, खोल दिया। नहीं, प्रॉपर रिसर्च जरूरी है। दूसरा पॉइंट, रिसर्च का मतलब ये देखना कि बाजार में क्या चल रहा है, मैं उनसे डिफरेंट क्या दे सकता हूँ, मैं उनसे बेटर क्या दे सकता हूँ। जब आप रिसर्च करोगे और इन दो चीज़ों पर काम करोगे, आपकी पहली शुरुआत रिस्क फ्री रहेगी और बेस्ट रिजल्ट आएगा, जैसे कल्याण ज्वेलर का आया। अब चलते हैं कि इन्होंने एक्सपेंशन कैसे किया। जैसे एक छोटा व्यापारी सोचता है कि यार एक शोरूम है, मेरे दो बेटे हैं, कल को लड़े तो एक काम करता हूँ, एक शोरूम और खोल लेता हूँ दूसरे बेटे के लिए। दूसरा शोरूम उन्होंने खोला पलक्कड़ जिले में, जो इसको कहते हैं राइस बॉल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने एक चीज नोटिस की कि यार पलक्कड़ में बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कोयम्बटूर से आते हैं। तो इन्होंने कहा यार जब इतनी डिमांड आ रही है, आधी जनसंख्या कोयम्बटूर से चल के आती है, एक काम करें कोयम्बटूर में खोल दे। कोयम्बटूर में खोल दिया। अब कोयम्बटूर में वही बात, यार आधी जनता तो यहाँ पे ईरोड से आती है, तो ईरोड में खोल दें। बोले हाँ खोल दिया। और ऐसा करते करते 2012 आते आते टोटल 30 से ज्यादा शोरूम उस एरिया में, सिर्फ साउथ इंडिया में, आसपास के एरिया में खुल चुके थे। अब बात चालू हुई थी 2 से, पहुंच गए 30 तक। तो हम आदमी के अंदर और जुनून आता है, उसने कहा इसको और बढ़ाते, अभी हमारा जो भी लेना देना है सब साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में कैसे जाएं। तो 2012 में 90 करोड़ का बजट साइड में रखा, बोले इससे मार्केटिंग करेंगे और नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया में छाएंगे। तो वहां छाने के लिए जो सबसे कॉमन चीज होती है, किसी बड़े फिल्म स्टार को ले लो, और भैया अमिताभ बच्चन से बड़ा स्टार कहां मिलेगा जो कि पूरे एरिया में अपील रखता है। तो इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अमिताभ बच्चन जी ये बताते हैं कि उन्होंने इतनी फीस ली थी कि जो हमारा पहला शोरूम साउथ इंडिया के बाहर खुला अहमदाबाद में, जितना अहमदाबाद के शोरूम में माल पड़ा था उससे ज्यादा की तो फीस ले ली थी अमिताभ बच्चन जी ने पीता काटने की। और ऐसे करके धीरे धीरे हर जगह का सेलिब्रिटी, जैसे आंध्र प्रदेश गए नागार्जुन को साइन कर लिया, केरल में गए मंजू वारियर को साइन कर लिया, तमिलनाडु में गए प्रभु को साइन कर लिया। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के बिना इनकी गाड़ी चलती नहीं है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि भैया धीरे धीरे करके एक्सपैंड होने लग गए, पर अभी तक चेन्नई में कदम नहीं रख पाए थे। और चेन्नई में जितने भी बड़े प्लेयर्स थे सब आ चुके थे, उन्होंने कहा चेन्नई में तो एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बिना तो पार ही नहीं पड़ेगी। तो चेन्नई में एंटर करने में उन्होंने जो देरी की थी उसको स्केल से पूरा कर दिया। मतलब उन्होंने जो शोरूम किया उस समय इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम था, 40,000 स्क्वायर फुट का शोरूम लिया, 600 किलो गोल्ड था, और सिर्फ एक लोकेशन पे 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया, जो कि एक ज्वेलरी स्टोर पे इंडिया का हाईएस्ट है। और ये घटना थी 2015 की। उसके बाद अगले 2 साल में 4 से ज्यादा शोरूम खोल दिए, और तमिलनाडु में इनका बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है। इनकी टोटल टॉप लाइन का 10% अकेले तमिलनाडु से आता है। उसके बाद भैया ये मिडिल ईस्ट भी गए, वहां भी एक साथ सिंगल डे 6 लोकेशन पे इन्होंने अपने शोरूम खोले थे। अब ये तो बात हुई कैसे इन्होंने बड़े बड़े शोरूम खोले, अब इन्होंने छोटे लोगों को कैसे कनेक्ट किया, उस पे आगे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मजा आ रहा है कि भाई साहब कहानी सुन के, बिजनेस की कहानी सुन के अगर आपको मजा आता है और आप बिजनेस की कहानी के दीवाने हो, तो मैं कहता हूँ अभी सीधे जाओ कुकू FM पे, और वहां पे आपको मिलेगी टाटा की कहानियां, अंबानी की कहानियां, और भी आपका कोई फेवरेट बिजनेसमैन है, कोई फेवरेट इंडस्ट्री है, कोई फेवरेट कंपनी है, वहां मिलियंस में ऑडियो बुक अवेलेबल है। रस्ते चलते घूमते गाड़ी में कहीं भी जाके इसको सुनिए और अपना ज्ञान को आगे बढ़ाइए। कोई छोटा मोटा ऐप नहीं है, 4.5 से ज्यादा रेटिंग है और 2.5 मिलियन से ज्यादा इसके पेड सब्सक्राइबर है। और ऐसा नहीं कि बातें सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल है, बहुत सारी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में भी आपको अपने से रिलेटेड ज्ञान मिल जाएगा। और कैटेगरी आपको चाहे बिजनेस पसंद हो, फाइनेंस पसंद हो, इकोनॉमी पसंद हो, हिस्ट्री पसंद हो, या मर्डर मिस्ट्री पसंद हो, एवरीथिंग विल बी देयर। वैसे इसका सब्सक्रिप्शन है 99 रुपीज, लेकिन आप चाहते हो और जी थोड़ा डिस्काउंट दिलाओ, तो एक काम करना, मेरा नाम ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक क्लिक करना और वहां डालना RM50, 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा पहले महीने। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसका लिंक है, जाइए इसको डाउनलोड कीजिए और पहले महीने के लगे 50 रुपए, कम से कम 10 बुक सुनना, 5 रुपए में नॉलेज लियो। और अब आते हैं कल्याण ज्वेलर्स पे। अच्छा, इसी बीच 2010 में इन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, बड़े बड़े शोरूम तो खोल रहे हैं तो अपनी USP है, लेकिन छोटे लोग अपने कैसे कनेक्ट होंगे। तो उन्होंने माय कल्याण करके एक सर्विस सेंटर टाइप, छोटे छोटे 250 स्क्वायर फुट से लेकर 600 स्क्वायर फुट के छोटे छोटे सेंटर खोले। इंडिया में आज की डेट में 600 से ज्यादा सेंटर है। ये क्या होता है, तो गांव में या सेमी रूरल एरिया में खुल जाते हैं, और वहां पे जैसे किसी को वेडिंग के लिए बुक कराना हो तो हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा करा दे या गोल्ड को एक्सचेंज कर दे, इन सभी सुविधा वहां से प्रोवाइड की जाती है। और जो सस्ती डायमंड ज्वेलरी होती है 10-15 हज़ार रुपए की, वो वहां से सेल की जाती है। और करंटली डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये रियल स्टेट में भी आ चुके हैं, और कल्याण डेवलपर नाम से रियल स्टेट में भी एंट्री हो गई है।
और ये कोई भी काम चालू करते हैं त्रिशूर से चालू करते हैं, बोले हमारे लिए लक्की है, हर काम होगा पहले त्रिशूर से फिर उसको एक्सपेंड करेंगे। अब बात करते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट की। रोज इनके एम्प्लॉय कितने हैं? 10,000 एम्प्लॉय हैं भाई साहब। तो 10,000 एम्प्लॉय का सर मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या चीजें करते हैं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहते हैं, हमारा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग का सिस्टम नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने धीरे धीरे समय के साथ साथ पुराने बहुत सारे आदमी रख लिए। हम जब भी कोई नया शोरूम खोलते हैं वहां पे पुराने शोरूम से एक टीम जाती है, वो वहां पे 6 महीने साल भर रहती है और जितने भी नए बंदे होते हैं उनको ट्रेन करती है और फिर नया शोरूम खुलता है फिर वहां जाता है। हर साल ये 10 शोरूम खोलने का टारगेट लेते हैं और अभी कंसिस्टेंटली काफी समय से इसको खोले जा रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा सर 10,000 आदमी कैसे संभालता होगा? आपको एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कल्याण ज्वेलर्स का एक एग्जाम्पल है, पर हर बड़ी कंपनी लगभग ऐसे ही चलती है। ईएस कल्याण रमन है जो इसके ओनर है, वो है भैया चेयरमैन, वो टॉप पे बैठते हैं। इनके जो दो बेटे हैं, एक फाइनेंस संभाल लेते हैं, परचेस संभाल लेते हैं, एक सेल्स और मार्केटिंग संभाल लेते हैं। ये दोनों एमडी हैं, इनमें से कोई भी सीईओ नहीं है। सीईओ इन्होंने हायर किया है बाहर से, प्रोफेशनल बंदा हायर किया है जो इन कंपनीज को रन करता है। उन सीईओस के नीचे जितने भी स्टेट में इनका व्यापार है, हर स्टेट का एक स्टेट हेड होता है, हर स्टेट हेड के नीचे रीजनल हेड होते हैं और रीजनल हेड के नीचे हर रीजनल हेड को कुछ स्टोर्स की जिम्मेदारी होती है और हर स्टोर पे एक मैनेजर और उसकी टीम होती है। तो सेल्स टीम बैठी है और मैनेजर बैठा है, ये मैनेजर रिपोर्ट करता है रीजनल को, रीजनल सपोर्ट करता है स्टेट को, स्टेट रिपोर्ट करता है सीईओ को और सीईओ रिपोर्ट करता है इनकी फैमिली को। कोई भी बड़ा बिजनेस हो इसी स्ट्रक्चर में वर्क करता है। आप सोचो हर आदमी से मैं ही बात करूं, गल्ले पे मैं ही बैठूं, ये पॉसिबल नहीं है भाई साहब। इन्होंने एक चीज बात कही कि भैया एक शोरूम चलाना है तो हम हमारे हिसाब से चला लेंगे, वर्बली चला लेंगे, लेकिन जब शोरूम 2 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बिना प्रोफेशनल मैनेजमेंट के काम नहीं चलता। सिस्टम बनाने पड़ेंगे, प्रोसेस बनानी पड़ेगी, बाहर के प्रोफेशनल्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। तो जो परिवार ये समझ लेता है कि भाई मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजाई से काम नहीं होगा, भैया बाहर के आदमी लगेंगे, तो उसका बिजनेस बढ़ जाता है। और जो सोचता है हम हमारे में रहेंगे, भैया जिंदगी भर बैठे रहो, 3 पीढ़ी बैठे रहो, 7 पीढ़ी बैठे रहो। अब इतने बड़े ग्रुप का संचालन कैसे होता है? हर सैटरडे मीटिंग होती है जिसमें सारे रीजनल हेड बैठ के अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं और ये जो मेन मालिक सीईओ के साथ और अपने टीम के साथ बैठता है और समझता है भैया क्या चल रहा है। उसके अलावा इन्होंने डिसाइड कर रखा है शोरूम को एक बार साल में जरूर विजिट करते हैं, वहां के एम्प्लॉय से बात करते हैं ताकि उनको लगे कि भैया हमारा मालिक हमारे साथ है, कोई प्रॉब्लम होती है तो सुनते हैं, समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और मोमेंटम देखते हैं कि कहां क्या चल रहा है, कहां क्या नहीं चल रहा। 154 शोरूम और एक आदमी उसके दो बेटे कैसे संभालते होंगे? सर जी इंसान के बस की तो बात नहीं है। तो जहां इंसान के बस की बात नहीं, वहां कौन आता है? सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम, टेक्नोलॉजी। तो इनका जो पूरा सिस्टम है 100% सेंट्रलाइज्ड है। हर शोरूम का भैया डेली का सुबह का स्टॉक, शाम का स्टॉक होता है, डेली बिलिंग कैलकुलेट होती है और ये पूरी फैमिली त्रिशूर में रहती है और अपने त्रिशूर के हेड क्वार्टर में बैठ के सारी चीजें चेक करते हैं डेली बेसिस पे लाइव। इनके पिताजी के टाइम से, जब इनकी कपड़े की दुकान थी और जब इनकी खुद की दुकान थी, तब से इनका नियम है डेली का स्टॉक लेना और डेली का कैश चालू करना। और कपड़े के काम में ये करते थे तो सोने के काम में तो छोड़ेंगे कैसे। इनके यहाँ पे पहले एक ऑडिटर था जो महीने में एक बार आता था, अब इनके ऑडिट डिलॉयट करता है। ये होती है ग्रोथ। ये स्टॉक कैसे करते हैं? इनके पास 12 से ज्यादा सोर्सिंग स्टेशन है जहां पे हर स्टेशन पे, जैसे ये टेंपल ज्वेलरी के लिए बेस्ट चीज है, ये लाइट ज्वेलरी के लिए ठीक है, ये केरल वाले पसंद करते हैं, वेस्ट वाले पसंद करते हैं, हर अलग अलग डिजाइन के स्पेसिफिक इनके सेंटर्स हैं। वहां पे 100 से 200 आदमियों का स्टाफ है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से माल आता है। एक शोरूम पे हर स्टोर से थोड़ा थोड़ा माल आता है ताकि अलग अलग तरह की वैरायटी सबको मिले। कस्टमर को खुश करने के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चला रखा है। कोई भी व्यक्ति एक बार लेता है उसका कार्ड बन जाता है, कोड मिल जाता है, अगली बार आता है उसको डिस्काउंट सुविधा बाकी चीजें मिलती है। ईएस कल्याण रमन खुद दिन में 10 कस्टमर से पर्सनली बात करके रिव्यू करते हैं कि भैया आपको कैसा लगा, ताकि जो बाजार की नब्ज है उनके हाथ में रहे। इनका एक 24/7 कॉल सेंटर चलता है, जो भी व्यक्ति इनके शोरूम से परचेस करके निकलता है, अपना नंबर देता है, उसको इनके कॉल सेंटर से कॉल जाता है कि भैया आपने परचेस किया, आपको कैसा लगा, आपको सामने वाले व्यक्ति ने ढंग से समझाया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई, आपके साथ चीटिंग तो नहीं हुई, आपको कैसा महसूस हो रहा है, हमें फीडबैक दो, ताकि कोई भी गलती अगर शोरूम लेवल पे हो रही है तो इनको हेड ऑफिस में पता पड़ जाए। तो भैया हमने एम्प्लॉय का मैनेजमेंट देखा, हमने इनकी मार्केटिंग देखी, हमने इनका शोरूम का मैनेजमेंट देखा, हमने इनका फाइनेंस देखा, हम इनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा बिलियनियर आदमी है, खाते पीते होंगे, मजे करते होंगे, भाई साहब ये पूरी फैमिली वेजिटेरियन है और किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करती है, बड़े रिलीजियस लोग हैं। टीएस कल्याण रमन जी जो हैं, इनमें बिजनेस का गुण बचपन से है, क्योंकि 12 साल की उम्र से दुकान पे जाने लग गए थे। इनके पिताजी इनको कहते थे तू दुकान आएगा तो मसाला डोसा खिलाऊंगा,
तो मसाला डोसा के लालच में रोज दुकान जाते थे और वहीं से बिजनेस सेंस उन्होंने डेवलप किया है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया अपने बच्चों को अपने व्यापारों में छोटी उम्र से ले जाना चालू कर दो ताकि उनका इंटरेस्ट जगे। कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं लेकिन अपने रूट्स को नहीं भूलें। भैया वही व्हाइट क्रिस्पी शर्ट पहनते हैं, धोती पहनते हैं, सैंडल में रहते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस है। इनका एक ही उद्देश्य है कि भैया ऐसा है कमाई करो और कमाई जितनी भी आती है उससे खुद खुश रहो, परिवार को खुश रहो, समाज को लगाओ और धर्म में लगाओ। ये सोचते हैं कि यार मैं हूं और मेरे दोनों बेटे हैं, हम एक गाड़ी में साथ गए और कल को कुछ हो गया तो चाहे एक घर से भी एक जगह के लिए भी निकलेंगे, तीन रॉयल्स रॉयस है, तीनों में अलग अलग निकलेंगे। फ्लाइट में भी जाते हैं तो तीन प्लेन है, तीन प्लेन से तीनों आदमी अलग अलग जाते हैं। रिलीजियस इतने जब घर से निकलेंगे तो मंदिर के दर्शन करते हुए जाते हैं, इनफैक्ट अगर फ्लाइट से भी जा रहे हैं तो पायलट को कहते हैं कि भैया मंदिर के ऊपर से उड़ाते हुए ले जाना। अब बोलोगे सर जी इन्होंने प्लेन भी ले रखा। हाँ, इनसे पूछा भाई प्लेन काहे ले लिया, तुम ज्यादा अय्याश हो रहे हो क्या? अरे बोले देखो ऐसा है, हमने रियलाइज किया हफ्ते में 6 घंटा तो हमें एयरपोर्ट जाने आने और वेटिंग लगेज में ही लग रहा था, तो ऐसे हमारा काम कैसे चलता, तो हफ्ते के 6 घंटे बजाने के लिए हमने प्लेन ही ले लिया। कि हम अगर वैसे जाते तो हम एक दिन में एक शोरूम देख लेते, वही बड़ी बात थी। हमारा प्राइवेट जेट है तो एक दिन में 3 चेक कर लेते हैं भाई साहब, तो हमने तो काम करने के लिए प्लेन लिया है, अय्याशी के लिए नहीं। टीएस कल्याण रमन और उनकी फैमिली आज के डेट में बिलियनेयर है। अभी करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग उनकी वेल्थ 1 बिलियन है। ये 2015 के आसपास ये इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट में एक बार शामिल हो गए थे। तो ये तो कहानी थी टीएस कल्याण रमन की। अब हम बात करते हैं कि भैया इस पूरी कहानी से क्या क्या लेसन मिलता है। तो पहला लेसन आपको बता देते बिना रिसर्च कुछ नहीं करना। दूसरा लेसन बताया बच्चों को भैया कम उम्र से, अगर आप चाहते हो कि व्यापार में आए कम उम्र से ही उनको इन्वॉल्व कर लेना। एक लेसन यह है भाई साहब कि भैया आपका एम्प्लॉई ही आपका सब कुछ है, आपकी जो कोर टीम है वही आपको बनाती है। आप फैमिली में काम धंधे में भाई भुजाई के भरोसे मत रहो, आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेना पड़ेगा। आप वर्बली नहीं चल सकते, आपको सिस्टम काम में लेना पड़ेगा। चाहे बिजनेस ज्वेलरी का हो, चाहे कपड़े का, चाहे लोहे का, भाई साहब डेली स्टॉक की अकाउंटिंग और डेली पैसे की अकाउंटिंग मस्ट है। अगर आप लो कॉस्ट रखेंगे, कस्टमर की सेवा करेंगे, कस्टमर की हेल्प करेंगे, तो बिजनेस कोई सा हो, किसी ने भी चालू किया हो सक्सेस उसमें निश्चित है। कैसी केस स्टडी लगी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, और अगली केस स्टडी किस पे करनी है ये भी मुझे बताइए। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।